हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। 24 मई को आप लोगों का पेपर होने वाला है विज्ञान का। तो जिन व्यक्तियों ने, जिन बच्चों ने अपना साइंस का फॉर्म भरा है, रुक जाना नहीं, मैं उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मैं आपका जो पेपर होने वाला है 24 मई को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन बताने वाला हो। तो गाइस, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अगर लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी प्रकार आगे भी वीडियो मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो द्रव अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु है बच्चों, उसका ध्यान रखिएगा, मरकरी होती है। मरकरी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट में। ईस्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है तीसरा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं पूछा है, याद रखिएगा इसका आंसर। तो सभी को याद होगा इसका आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा LPG का दहन। LPG का दहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं बच्चों स्नैप्स। स्नैप्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। तो यहाँ पर जोड़ों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में पहले पूछे गए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपके कोई भी दोस्त है जिनको भी अगर सप्ली आई है और उन्होंने रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा है, या सभी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, या 3 से 4, 5 जो भी विषय में फेल हुए हैं, उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। कोई प्रश्न नंबर आप देखेंगे 6, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो इसका जो pH होगा संभवतः, उसके लिए जो राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। 10 आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो यहाँ पर जो दर्पण होगा बच्चों वो कैसा होगा, केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल या उत्तल होगा। तो दर्पण बताना है आपको किस प्रकार का दर्पण होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा या तो समतल या उत्तल, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टि पटल कहलाती है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के रूप में सभी खाली स्थान ध्यानपूर्वक देखिएगा, अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भंगुरता प्रायः का प्रमुख गुण है। तो यहाँ पर आपका जो खाली स्थान है इसमें आप क्या आंसर लगाएंगे, अधातुओं का। क्या लगाएंगे, अधातुओं का। अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो धात्विक जो ऑक्साइड प्रायः होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, क्षारकीय होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का
पराक्रम कहलाता है तो इसे हम कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। तीसरे वाले खालिस्तान में आएगा उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 4, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख जो इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका सही उत्तर होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के समलयन की क्रिया कहलाती है तो ये जो कहलाती है वो कहलाती है निषेचन। इसे क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन कहते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भूल मत जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जहाँ पर मेंडल का नाम आ जाता है उसने जो नियम का प्रतिपादन किया है वंशानुगति, वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन करने वाला कौन है? मेंडल। मेंडल का जो पूरा नाम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर होती है, कैसी होती है? समांतर। समांतर आपका उत्तर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फर के दहन से गैस बनती है। देखिए बच्चों, अगर सल्फर को जलाएंगे तो इससे जो निकलने, इसके जलने पर जो गैस निकलती है वो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पर अपन जोड़ी देखेंगे, चलिए तो जोड़ी मिला लीजिए, द्रव धातु, द्रव आधातु, तो इसको आप मिलाएंगे ब्रोमीन, और अतिक्रियाशील धातु तो इसको मिलाएंगे आप सोडियम, नेफ्रॉन को आप मिलाएंगे वृक की संरचनात्मक इकाई, और रंध्र को आप मिलाएंगे गैसों का आदान प्रदान से, और पादप का लैंगिक भाग इसको आप मिलाएंगे बच्चों पुष्प से, पुष्प से आप मिला देंगे इसको, और नर युग्मक इसको आप मिलाएंगे किलोवाट घंटा, और विभवांतर का मात्रक जो होता है वो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो हटा दें पहले, नर युग्मक, नर युग्मक को आप जो मिलाएंगे बच्चों वो मिलाएंगे शुक्राणु से, शुक्राणु इसका राइट आंसर होगा, और विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा, और विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है आपका ओम एम्पियर, राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्नों की ओर, एक शब्द में उत्तर देखेंगे, अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, समूह दो के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं बच्चों क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा धातुए इसे कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चों इसका याद रख लीजिएगा, मेरुरज्जु करता है, मेरुरज्जु, है ना, ध्यान रखिएगा। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो याद रखिएगा वृषण में होती है, वृषण में। अगला प्रश्न है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एवं उसकी फोकस दूरी एप में क्या संबंध है? तो इसमें जो संबंध होता है आर बराबर टू एप, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5वां, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? अगला क्वेश्चन आपका बैंगनी, बैंगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपकी जो चुंबक हो जाएगी वो विद्युत चुंबक होगी, कैसे चुंबक होगी? विद्युत चुंबक, याद रखिएगा, विद्युत चुंबक को भूल ना जाना।
अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र रेखा के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती है? तो ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताए हैं ऑब्जेक्टिव, 32 प्लस ऑब्जेक्टिव हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपके जो पेपर में आने वाले 30 ऑब्जेक्टिव उनमें बहुत सारे यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियो समय पर मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।